नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में जुबानी जंग छिड़ गई है और इसकी जड़ बनी एक चैनल का वो कार्यक्रम जिसमें कि दोनों गए थे अलग अलग समय पे और वहाँ पे बयानबाजी हुई थी, या यूँ कहे कि जब इंटरव्यू लिया जा रहा था उसमें दोनों ने एक दूसरे को लेकर के कुछ बातें बोली थी। सबसे पहले पृष्ठभूमि को समझ लीजिए, फिर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आज योगी को चेतावनी जारी की और मुलायम यानी अपने पिता को अब्बा जान कहने पे वो चिढ़ गए, तिलमिला गए, इसकी बाद में बात करेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है ये बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि योगी से पूछा गया था कुछ सवाल जिस पर उन्होंने ये कहा था कि उनके अब्बा जान यानी अखिलेश के अब्बा जान मुलायम सिंह यादव ने तो कहा था अयोध्या के लेकिन परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, जबकि बीजेपी ने वायदा किया था 1990 में कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन रहा है, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। ये जो अब्बा जान शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया इसको लेकर के अखिलेश यादव काफ़ी चिढ़े। और बात सिर्फ इतना ही योगी ने नहीं बोली, उन्होंने ये भी बोला कि अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम 400+ सीटें जीतेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो वो बोले कि वो 500+ भी बोल सकते हैं, सपना देखने का हक किसी को भी है। यानी कि ये व्यंग था, तंज था, राजनीति में व्यंग और तंज चलता है, लेकिन सिर्फ अब्बा जान कहने पे अखिलेश यादव क्यों चिढ़ गए, क्यों तिलमिला गए। उसके जवाब में आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो बोले कि जुबान संभाल के यदि योगी जो है हमारे पिता के लिए ऐसा बोल सकते हैं तो हम भी उनके पिता के लिए कुछ कह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब्बा जान कहने पर क्या ऐतराज़ हो सकता है, पिता या बाबूजी या पिताजी को ही तो मुस्लिम अब्बा जान बोलते हैं। अखिलेश यादव सारी बात समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि योगी चुनाव को दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लेकिन हमारे पिता के लिए ऐसा न बोलें। यानी कि वो ये देख रहे हैं कि उनको कहां से जोड़ा जा रहा है। और इधर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था और हमने क्या कर दिखाया, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात अब ये हो रही है कि विकास को लेकर के, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के, मेट्रो को लेकर के अखिलेश यादव वार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक, इसने किया क्या है, जो समाजवादी पार्टी ने किया था उसी का तो फीता काट रहे हैं और अपने ठेकेदारों कॉन्ट्रैक्टर्स को एडजस्ट करने के लिए इन्होंने ठेका रद्द कर दिया था, तो ये अब जो है झगड़ा बढ़ चला है। दरअसल है क्या कि दोनों पार्टियां बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं होगा, चुनाव आते आते जाति और संप्रदाय के आधार पर लोग बंट जाएंगे और इन पार्टियों को महारत हासिल है लोगों को बांटने में और उसी के आधार पर उसी के माध्यम से ये वोट बैंक की फसल काटते हैं। योगी भी अपने पैंतरे पे हैं और अखिलेश यादव भी अपने पैंतरे पे। दरअसल अखिलेश यादव आज कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी में योगी के लिए चेतावनी जारी की कि वो ऐसा न बोले, भाषा पे संयम रखें। वैसे तो योगी की भाषा हर कोई जानता है, लेकिन यदि वो नहीं मानेंगे तो हम भी उनके पिता के लिए कुछ बोल सकते हैं, वैसे ही जैसे कि बच्चों में झगड़ा होता है। लेकिन ये सियासतदान बड़े होशियार हैं, वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज आजम खान को लेकर के भी बोला कि आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के मसला हो या और मसले, उनके खिलाफ लगभग 100 मामले दर्ज हैं, जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। योगी की फाइल जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके पास आई थी, वही फाइल थी जिसे कि सीएम बनने के बाद योगी ने वापस करा दिया। तो अखिलेश यादव ये कहना चाहते थे कि हमने योगी को नहीं छेड़ा, लेकिन योगी ने जिस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की वो ठीक नहीं है। आजम खान के खिलाफ योगी ने एक के बाद एक कई कार्रवाई की है। हाल में जो है जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़ने को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया, उसमें पैसा जमा करने को कहा गया, वो सबसे ताज़ा मामला है। फिलहाल वो सीतापुर जेल में बंद हैं। तो ये चल रहा है, आजम खान का बार बार मुद्दा अखिलेश क्यों उठा रहे हैं और अब ऐन मौके पे, चुनाव के ऐन मौके पे क्यों उठा रहा है, इसके पीछे भी सोचने की ज़रूरत है। और जो योगी अब्बा जान कह करके बोल रहे हैं इसके भी पीछे क्या नियत हो सकती है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। तो दोनों तरफ से अपने अपने दांव और पैतरे चले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि अगला स्टेटमेंट क्या आता है, इस पर रहेगी हमारी नज़र। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।